तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर को बोलिए। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां कोई मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू, बहुत सारी बकचोदी भर भर के विद एड ब्रेक्स। इसमें तुम बोलोगे तो मजा ही आ जाता क्या एड ब्रेक? खुशी मिलती है एकदम दिल जिगर को मेरे। तो भाई ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, वीडियो करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और एड प्ले पॉज। हाँ तो भाई पॉज दबाया तुमने तो। पॉज वीडियो के लिए, एड्स तो चालू होंगे ना, तो एड के लिए देखो भाई, मेरी खोपड़ी के आसपास वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे एट द एंड एंड में वीडियो के एक चैनल आएगा जिसके सर्कल के अंदर स्कॉर्पियो है, ठीक है, उस चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा कि जीते कैसे हैं दोस्तों के साथ, हाउ टू लिव योर लाइफ इन वाइल्ड, ठीक है, घरेलू तरीके से नहीं, थोड़ा सा कैसे रखेलू तरीके से वैसे तुम लोग रह रहे हो आजकल, तो सीखो हाउ टू लिव लाइक अ वाइल्ड किंग, ठीक है, तो ये सब करने के लिए तुमको वहां पे जाना पड़ेगा उस चैनल पे। नॉर्मल व्लॉग से थोड़ा हट के वी फोकस ऑन लॉन्डो की बकचोदी, ताकि आप लोग भी रिलेट करो, साथ में बैठ के देखो तो कि यार भाई हमने भी ये किया था बकचोद, नहीं तो ये वाला कर लेंगे जब इस बार चल के, यू कैन कॉपी कैसे एंजॉय करना है, और एल्स यू कैन बी अ पार्ट कैसे एंजॉय करना है उसका, तो ये तो हो गया प्रमोशन, आखिरी में देख लेना उस चैनल पे जाके, मजा आ जाएगा उन लोगों तो का। भाई प्रमोशन तो ठीक है, आज अपने दोस्तों को हम लोग क्या लाए हैं? मुझे लगा था कुछ हम लोग अलग सा लाए के आ रहे हैं आज। अलग सा मतलब क्या? जैसे कि हम लोग सबके पास अपने अपने चैनल के हिसाब से मीम्स आती हैं, कुछ कॉमन मीम रहती हैं, कुछ अलग अलग रहती हैं, तो वैसे ही मैं कुछ, क्या पता तुमने देखी हो, तो मैक्सिमम मैं ऐसे मीम्स इकट्ठा करके लाया हूँ जिनने मुझे दिला दिया ठहाका एकदम, अच्छा मजा ही आ गया तुमको? मुझको तो आ गया है मजा, और ओह माय गॉड, मैं उनको बीच बीच में भी देख लेता था क्या, एक दो बार अगर ऐसे गलती से देख लिया दोबारा वो मीम को, तो मेरे को मजा हर बार आया उसको देखने में, तो देखते हैं आज कैसे क्या इसको मजा आएगा उतना जितना मुझे आया, या सिर्फ मैं ही ठहाका मारूंगा। मतलब मेरे इस मुझसे मतलब सब आप लोग को भी, हाँ, ये और तुस्सी पुस्सी पाजीज लोग, तुम लोगों का मेन है हंसना, बाकी मैं तो लेके आया हूँ तरीके से कंटेंट, तो हंस दूंगा तो ठीक है, नहीं तो हक तो दूंगा ही, ठीक है, स्टार्ट करें। मुंह से व्यक्त होगा तो मुंह, अरे सब जगह से हक देता है आजकल इंसान, स्टार्ट करें फिर। शुरू करो भाई, देखते हैं जरा क्या क्या आया तुम। अरे तन्नू भाई कहाँ जा रहे हैं? यार इसका स्कूल दूर है, इसे छोड़ का हूँ। अच्छा ठीक है। अरे सुनो तो सही, पांक इस थैले में क्या ले रहे? थैले में तो भाई 3 बियर पड़ी। अरे 14 एक दिन पैदल आ जाएगा, इसके पांव थोड़ा टूट देंगे पढ़ाई तो भाई होती रहेगी, एक दिन पैदल आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या कब अपने उस पे सीखेगा, ना बैग लिया है ना कुछ, 14 ऐसे नहीं बैग बैग है पीछे बैग है फुल, अभी जो एक दिन मिल सकता है वो ले लो पहले, बाद में पैदल आ जाए क्या दिक्कत। और कौन सा डेली डेली मिल जाता होगा चूल्हा लेके। तो गाइस तुम लोग भी आगे चल के औलाद के उससे ज्यादा बियर पार्टी पे ध्यान रखना, ये तुम लोगों का मकसद, इसको बुला लेना भाई, मैं तो अभी पीता नहीं हूँ, देखो आगे चल के शुरू हो जाए तो कोई बात है, बच्चा पैदा होने बाद पी रहा ना वो, हाँ तब कर सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं ना, इसलिए सही रहेगा, शादी के बाद ही पीना ना चाहिए भाई, फ्रस्ट्रेशन निकालने है कहीं, तो ऐसे मार ही खा जाओ समाज में जाके, दो लोग मिलेंगे इनके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हो, तो उनका वेट करो पहले, देख रहे हो सामाजिक दुश्मन सामाजिक आदमी हूं मैं, तभी तो समाज में दिक्कत ना हो इसलिए नहीं पी रहा हूँ अभी मम्मी जरा वहां से मेरा साइंस का रजिस्टर दे दो ना। कहाँ रखा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे वही उधर ही रखा है, ध्यान से देखो। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहाँ रखा है, और अगर मैं उठ गई और मेरे को दिखाई दे गया फिर दे। अच्छी संस्कार किसी दुकान पर नहीं बल्कि परिवार के माहौल से मिलती है। शुभ रात। तो भाई जिसने ये मीम बनाई है मतलब काफी ऑफेंसिव बात हो जाएगा, बट जहाँ पे उसने उस बच्चे को लगा दिया अच्छे संस्कार के लिए, घर पे ही मिलते हैं, तो भाई ऑब्वियसली घर पे अच्छे संस्कार मिलते हैं, ये सब थोड़ी देखने को मिलता है, ये सब तो आदमी बाहर ही निकल के ना देखेगा। वो कह रहा कि बाहर ही मत देखो इसलिए बोल रहा है। अच्छा इन ये साउथ इंडियंस का भी वही सीन सेम सीन है भाई, जैसे मुल्लों का होता है। अच्छा घर में ही चला दो चिल्ला, शादी वादी कर लो, तो इनका तो अच्छा संस्कार घर में ही रहेगा, तो इन लोग के हिसाब से ये है क्या कि अच्छे संस्कार घर में मिलते हैं बाहर मत देखो सिर्फ
ऑफेंसिव बात कर रहे लोग भाई, ये लोग करते हैं ये चीज, इन लोग का रिचुअल है, लोग शादी कर रहे हैं, खुला शादी कर रहे हैं, मामा की बेटी से, बुआ की बेटी से, साउथ इंडियंस कर रहे हैं शादी, मुल्लों का सबने बदनाम कर ही रखा है, हिंदूज में साउथ इंडियंस कर रहे हैं वो चीज, जब वो कर रहे हैं प्रॉपर प्रैक्टिस धूमधाम से, हम बोल भी नहीं सकते उस चीज के ऊपर, एड्रेस तो करना चाहिए ना, एड्रेस मलता भाई। वैसे ये जानबूझ के इसने वीडियो बनाई है लड़की ने दिखाने के लिए, हम संस्कार लेके आए, बताओ तरीका है कोई। जी ना जुम पूजा बोल कोड़ा बा 5만 원 어디 있어 오빠 갑자기 왜 그러는 거야 다시 한번 묻는다 5만 원 어디 있어 난 정말 몰라 내 책상 위에 있던 5만 원 어디 있어 왜 나한테 지랄이야 끝까지 이빨 털 거야 엄마가 가져갔어 내 눈 똑바로 보고 다시 말해봐 엄마가 가져 왜 눈을 못 쳐다봐 엄마가 뭘 잘했다고 꼬라봐 내 말을 믿지도 않는 오빠랑 더 이상 할 말 없어 야 현지야 미안해 오빠가 이성을 잃었던 것 같구나 부디 나를 용서해 주겠니 알겠어 용서해 줄게 엄마한테 물어보고 오는 길이다 개년아 지금이라도 솔직하게 말하면 목숨은 살려주겠다 그 말을 어떻게 믿지 왼쪽 브라를 걸겠다 나스 립스틱 샀어 뭐라고 미안해 오빠 이 바보야 이제 곧 너 생일이잖아 그거 너 생일 선물 사려고 책상에 놔뒀던 거야 오빠 현지야 ये सब चीज देख के तुम सीख रहे हो ना क्या कोई बात करो पेल दो पहले भाई पेल क्या तो वो कर रही है हराया बना उसमें तुम लिरिक्स उसका लिरिक्स कह रहा हूँ वो बढ़ रहा था लेकिन छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी बट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसको बुलाऊं फिर मारूं मैं जा के मारूंगा भाई 2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की वो होता है देखो ना खुद को जरा बच्चे हैं एकदम पीछे कैटी बूट लगा दिया है ना भाई है नहीं इसीलिए जितने भी क्लास यार है भाई तुम लोग क्या किए हो ये आज से नहीं टीम बनना शुरू हुआ तभी कूल हुआ हो तब से ये था भाई कि सियार तो मादा जो झाटू ही होते हैं ठीक है उनको नहीं माना जाएगा कुछ हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो अरे सुन लो जी सोने के पहले क्या बोलोगे आप बताइए अरे बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण अरे तुम पुतला हो क्या कहाँ तक पढ़े हो ऐसी छठे एकदम छठी तक सातवीं नहीं पढ़े नहीं आठवीं नहीं पढ़े क्यों बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना सही से पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने अरे तो फिर पकड़ लो ना कसम खा ली थी ना मैंने क्यों पढ़ना नहीं किससे कसम खाई थी अपने आप से जाते ही मस्त मस्त लोग काफी अलग ठीक है राधे राधे क्या राधे राधे पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ नहीं अब पढ़ाई नहीं करूंगा पढ़ाई नहीं होगी कसम खा ली भाई वो भी अपने आप से खाया है भाई कसम बचने का कोई चांस ही नहीं है उसके ये सेब हर दिन वर्कआउट करता था क्योंकि कुछ समय पहले मालिक ने उसके दोस्त को चुना था और उसे छोड़ दिया था इसीलिए अगले दिन उसने खुद को लाल पेंट से रंग लिया और सपने देखने लगा कि अब तो उसे भी स्टिकर मिलेगा लेकिन तभी मालिक ने फिर से उसके दूसरे दोस्त को चुना अब सेब ने लगभग हार मान ही ली थी और सोचने लगा कि शायद वो सेब बनने के लायक ही नहीं है तभी उसकी नजर पास के जिम पर पड़ती है सेब खुश हो जाता है और तुरंत ही 80 किलो के डंबल्स उठाने लगता है वो पूरे 2 सालों तक जिम में पसीना बहाता है लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जरा भी नहीं बदला तभी वो एक एयर पंप लेता है और खुद को पंप करके बड़ा कर लेता है अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटता है और उसे आखिरकार वो स्टिकर मिल जाता है लेकिन अगले ही दिन उसकी हवा के साथ उसका स्टिकर भी निकल जाता है और तभी मालिक ट्रक लेकर चले जाते हैं जिससे सेब को इतना गुस्सा आता है कि वो खुद को पेड़ से अलग करके पेड़ों के बीच झूलता हुआ ट्रक का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन आखिरी छलांग लगाते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे बैठे एक आदमी के ऊपर गिर जाता है और इसी सेब की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी हर सेब को स्टिकर लगाना जरूरी है नहीं तो फिर कोर्स बढ़ जाएगा एक सेब की बख्श खुद ही चक्कर में इतना से फिजिक्स का सिलेबस बढ़ गया जान पड़ गई पूरी जिंदगी में आता तो उसी में इसको न्यूट्रन वो गिरा खा लेता चुपचाप भूखा तो था ही नहीं वो पता नहीं क्या दिक्कत थी घर से खा गया है ये भी तो उस समय उस टाइम पे तो जैसे हम लोग यहाँ रोटी वोटी गुड़ वुड़ रख के बांध के ले जाते होंगे तो वो न्यूट्रन भी ऐसे ही गया होगा न्यूट्रन ठीक था फैमिली से था ना गरी तो था नहीं तो उस समय टिफिन विफिन बनाना नहीं सीखा होगा लोगों ने तब कपड़े में बांधते होंगे लोग तो दे देते थे ना ऐसे ही भूख लगी कोई दे दो कहीं भी
क्या होता, दो चार सेब खा ली से उसके बाद बकचोदी करना शुरू किया वो, हाँ हो सकता है भाई। कि सो लेता हूँ अब मस्त, ऊपर गिरा खोपड़ी घिस आ गया एकदम, मैं गुस्सा आ रही है, लिख दिया कि मैं पूरी दुनिया को परेशान पूरी दुनिया की मार छोड़ देंगे अब सेब गिरा है मेरे ऊपर। गाइस सेब को स्टिकर जरूरी है, मैं तो सेब जल्दी लिखा रहा हूँ, छोड़ो ही ना। तो खत्म करें सिलसिला यहीं या एक दो और देखने हैं? अब खत्म करते हैं, पूछते हैं कि अगर ऑडियंस को चाहिए होगी तो अगली बार रगड़ रगड़ के लाएंगे हम लोग। बहुत सारा है अभी अपने पास। बैठे रहेंगे यहीं पे पूरे दिन और ये लोग देखते रहे हमारे साथ। हाँ, और मैं एक और कॉन्सेप्ट सोचा हूँ, इसमें बता देते हैं ताकि आगे। एक तो मैंने क्रिएटर्स को ही धर लिया है, जैसे हम लोगों ने सुजल और लड़कियों को धरा था वो, हाँ वैसे ही लड़कों को भी मैंने बहुत सारे पकड़ा है। अच्छा, तो उनको भी मिट्ठे इनके हैं वो? दिन प्रॉपर भाई, सिर्फ अच्छा चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ उनको पहुंचना है, वो रुक ही नहीं रहे, उनकी सारी रील में वो चल ही रहे हैं सिर्फ। तो उसको पकड़ के और फिर हाहा ठहाका मार देंगे उसके ऊपर, देखते हैं है उनको ना। भी बात में, बताओ कमेंट करके क्या कमेंट करना करो, नहीं खुद से फेक अकाउंट बनाना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है? ध्यान रखना तुम लोग ये चीज, है। अगर तुमको चाहिए कि और हम लोग इंस्टा की रील्स वालों को धर दबोचे बिना किसी फिल्टर के, तो वो भी कर देंगे, ये वाला नहीं जुबान का फिल्टर, ये वाला तो लगाएंगे, ठीक है? तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो, चलो गाइस सायोनारा।